ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या बोला जाता है, द ट्रांसफर मैकेनिज्म, ट्रांसफर मैकेनिज्म जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द ट्रांसफर मैकेनिज्म, तीन तरीके से ट्रांसफर फिनोमिना होता है, जस्ट ट्राई टू लर्न दोस फिनोमिना, ट्रांसफर मैकेनिज्म, व्हाट आर द दोस ट्रांसफर मैकेनिज्म। अगर मैं बात करता हूं तो एक ट्रांसफर मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, एक को बोलते हैं हीट ट्रांसफर, एक को बोलते हैं मास ट्रांसफर। ठीक है, मास, हीट, मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम में क्या होता है, वेलोसिटी या मोमेंटम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये खासकर कहां पे यूज होता है, दैट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड फ्लो में यूज होता है। हीट ट्रांसफर, आपके हीट ट्रांसफर जहां तक कहां पे यूज होता है, ज्यादातर स्टरलाइजेशन के पार्ट में यूज होता है। और मास ट्रांसफर, अभी आप खुद देख रहे थे सिस्टम रिएक्टर में मास जो था वो जा रहा था, सो दैट इज द मास ट्रांसफर, वहां पे इन्वॉल्व हो रहा था। दैट इज व्हाट इज, इट इज व्हाट द प्रोडक्शन में यूज होता है ये मास ट्रांसफर। या इसको कह सकते हो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, केएलए डिटरमिनेशन का नाम सुना हुआ है, यहां पे यूज होता है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर गाइस, क्या सुनाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो, ऑल ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे मूव करो फिर। चलिए आगे मूव करते हैं। दैट इज, मैंने अभी आपको बताया कि मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो एक मेजर ड्रैगिंग फोर्स होता है, जो मेजर ड्रैगिंग फोर्स होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो मेजर ड्रैगिंग फोर्स होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ड्रैग द फोर्सेस, वेलोसिटी ड्रैग करता है, दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी वाई। ये अभी हम डिस्कस करेंगे अभी। और उसके बाद हीट ट्रांसफर में क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, और मास ट्रांसफर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे क्यू होता है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, यहाँ पे जो के होता है थर्मल ट्रांसफर कोफिशियंट, ये रेट होता है क्यू, और डी टी बाई डी वाई होता है कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मास फ्लक्स जो होता है, ये डिफ्यूजन कोफिशियंट है, और मास फ्लक्स डी सी बाई डी ए, दैट इज व्हाट ये होता है। हमेशा याद रख लीजिएगा, कोई भी चीज ट्रांसफर तभी होगी जब वहां पे ड्राइविंग फोर्स होगा, जब वहां पे ड्राइविंग फोर्स होगा। कोई ना कोई चीज ट्रांसफर करने के लिए एक फोर्स होना चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि ट्रांसफर क्यों हो रहा है। तो वन बाय वन लेके चलेंगे, मोमेंटम ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। आर यू रेडी गाइस, रेडी हैं सुनने के लिए, समझने के लिए? चलिए फटाफट देखने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन, मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम क्या होता है, कोई चीज, जब सुना होगा आपने कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये आपने सुना होगा बचपन में फिजिक्स में, जब केमिस्ट्री पढ़ते होंगे 11th 12th में, कि एक गतिमान जो वस्तु है वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई, कहते हैं, एक्सटर्नल बल या फोर्स ना लगाया जाए। तो वही ये मोमेंटम चल रहा है वो, जी मोमेंटम चल रहा है, पी इज इक्वल टू एम इन टू V, पढ़ा होगा इसका MLT minus T होता है dimensions, that is what flux of the momentum होता है, P divided by E, that is momentum per unit area, जी momentum per unit area, MLT minus 1 divided by L2, तो flux of the momentum जो होता है rate upon area, that is ML minus 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये T minus 1 होता है। The flux of momentum is also known as, जो momentum का flux होता है उसको क्या बोला जाता है, shear stress, क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। याद रखे रहिएगा, द फ्लक्स ऑफ मोमेंटम दिस इज, ठीक है, कई बार लोग समझते हैं कि शियर स्ट्रेस बहुत बड़ा टर्म है, ये क्या है, दैट इज द फ्लक्स ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट एरिया, जो रेट है पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज शियर स्ट्रेस। इसको क्या बोला जाता है, टाउ बोला जाता है। द टाउ, द फ्लक्स ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है, डी वी बाई डी वाई, कितने डिस्टेंस पे, कैसे जो है, अगर कोई पाइप में कोई एक फ्लूइड मूव कर रहा है,
ज्यादातर इंडस्ट्रीज में एक पाइप में या कहीं पे भी फ्लूइड मूव कर रहा होता है, चाहे सैंपल हो चाहे रिएक्टर, कहीं पे भी मूव कर रहा होता है, तो वो उसमें जो वेलोसिटी की ग्रेडियंट बन रहा है ड्यूरिंग द वी, ये क्या हो जाएगा वाई, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा और वेलोसिटी किस हिसाब से वेरी कर रहा है इस एक्सिस पे, तो दैट इज द डीवी बाय डीवाई, और ये हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्ट्रेस होता है धीरे धीरे डिक्रीज होती है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल लेयर फोर्सेस, वो उसकी वजह से डिक्रीज होता है। तो ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए यहाँ पे आ जाता है म्यू, दैट इज म्यू क्या होता है, म्यू की बात करते हैं, टाउ इज द शियर स्ट्रेस, और म्यू जो होता है उसको क्या बोला जाता है, हाँ जी म्यू किसी को पता है, व्हाट इज द म्यू, एनीबॉडी? स्पेसिफिक ग्रोथ टर्बुलेंस ईयर स्ट्रेन, ईयर स्ट्रेन, ओके। चलिए किसी ने सही जवाब दिया, रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया, म्यू को बोला जाता है विस्कोसिटी, म्यू को बोला जाता है विस्कोसिटी जनाब, ये विस्कोसिटी होता है और ये पूरा फैक्टर जो होता है वो शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। मोमेंटम ट्रांसफर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जनरली विस्कोसिटी, अगर जनरल टर्म में आप इसको यही जानते हैं, और एग्जैक्टली जो विवेक बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, दैट इज द मोमेंटम ट्रांसफर कोफिशिएंट, बिल्कुल सही जवाब है, इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, कि कितना ट्रांसफर हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर कोफिशिएंट। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया यहां तक कि टाउ जो होगा, जो फ्लक्स ऑफ द मोमेंटम या शियर स्ट्रेस जो होगा, वो आपके dv by dt, जो स्ट्रेन होता है जिसको आप शियर स्ट्रेन बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली शियर स्ट्रेन क्या है, चलिए समझ लीजिए, ये जो dv by dy है ना, dv by dy, दिस इज द शियर स्ट्रेन, ये क्या है, ये शियर स्ट्रेन है, दिस इज द शियर स्ट्रेन, ठीक है। सो नाउ चलिए आगे मूव करते हैं, फ्लूइड फ्लो में जाते हैं, फ्लूइड फ्लो में जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज फ्लूइड फ्लो, द सब्सटेंस इज, फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसी मोमेंटम को यूज करके फटाफट, द सब्सटेंस विच अंडर गो द कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन when subjected to the shearing forces, वो fluid जो कि continuous deformation में जा रहे हैं, continuous deformation में जा रहे हैं, अगर किसी shearing force के लिए जाए तो उनको बोलते हैं fluid, जैसे कि liquid, जैसे कि gases, fluid में liquid और gases दोनों आते हैं। physical property जो fluid की होती है वो होती है density या viscosity, density की जब बात करते हैं, density change with the pressure, pressure के साथ change हो सकता है, तो उसको बोलते हैं compressible fluid, अगर प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रही उसकी डेंसिटी तो उसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेस कर देते हैं प्रेशर के साथ तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड, जैसे कि एलपीजी, नाम सुना हुआ है, एलपीजी फ्लूइड को डेंसिटी, जैसे प्रेशर देंगे उसको डेंसिटी को कम कर देते हैं, एज अ लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, एलपीजी का नाम सुना हुआ होगा, एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड में आता है, एंड सम आर द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो कि इनकंप्रेसिबल होते हैं। विस्कोसिटी ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है वहां से विस्कोसिटी आती है। नॉन विस्कस फ्लूइड में ये जो विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो होती है, एंड विस्कोसिटी विस्कस फ्लूइड में नॉन जीरो होती है। शियरिंग फोर्स या तो रोटेशनल लग सकते हैं या आपके वर्टिकल प्लेनर के फॉर्म में लग सकते हैं, दो प्लेन्स के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे प्लेन्स के फॉर्म में लग सकते हैं, दैट इज अ प्लेनर और रोटेशनल, इस तरीके से भी शियरिंग फोर्स लग सकते हैं। शियरिंग जो आपके फोर्सेस प्लेनर प्लेनर एक एक लेयर में लग रहा है या रोटेट हो रहे हैं तब लग रहा है, दैट इज द टाइप्स ऑफ शियरिंग फोर्सेज। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो किस तरीके से हो सकता है, आइदर इट कैन बी स्ट्रीम लाइन जो फ्लो हो सकते हैं, या तो ये स्लो फ्लो हो रहा है तो जिसको बोलते हैं लैमिनार, या तो बोलते हैं लैमिनार, या फास्ट फ्लो हो रहा है जिसको बोलते हैं टर्बुलेंट। क्या कॉज करता है टर्बुलेंट फ्लो, इडीज को कॉज करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इडीज को कॉज करता है, या एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो, एक और पार्ट होता है जिसको बोला जाता है ट्रांजिएंट फ्लो, जो कि लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच का फ्लो होता है। सो लैमिनार इज लाइक ए स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक लेयर बाय लेयर चल रहा है, ठीक है, लेयर बाय लेयर, दैट इज द लैमिनार फ्लो, इट इज व्हाट, जैसे कि अगर एक पाइप है, एक पाइप में इस तरीके का फ्लो हो रहा है लेयर बाय लेयर, तो दैट इज अ लैमिनार, ठीक है। अगर इसमें एक पाइप में इसी में ये कुछ इस तरीके से मिक्सचर इधर उधर चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। ये क्या है, ये लैमिनार, ये टर्बुलेंट, एंड ट्रांजिएंट इज लाइक थोड़ी देर के लिए सही चल रहे थे पैरेलल, लेकिन फिर में जाके मिक्स होके फिर पैरेलल हो गए, दैट इज व्हाट जगह पे कहते हैं, कुछ जगह पे वो डिस्टर्ब हो कर रहे थे, दैट इज द ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट है, ये टर्बुलेंट है। इज इट क्लियर गाइस?
अब ऐसा कौन सा नंबर होता है जो ये बताता है कि ये लैमिनार फ्लो होगा कि टर्बुलेंट होगा कि ट्रांजिएंट होगा? वो कौन सा पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि वो ट्रांजिएंट होगा कि टर्बुलेंट होगा? उसको बताने के लिए एक पैरामीटर, एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज टू डिफाइन वेदर इट इज लैमिनार, ट्रांजिएंट और टर्बुलेंट फ्लो। ये लैमिनार जो होता है इसी पे डिफाइन करता है। रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कोसिटी, इन सब पे, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, इन सब पे डिपेंड करता है ये लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच का जो ट्रांजिएंट होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज रो वी डी। दैट इज व्हाट? रो वी डी बाय म्यू। Rho Vd by mu, D is the diameter. D is what? D is the diameter. D is the diameter. V, mu, V, U or V, you can say. Rho Vd. यहाँ पे जो V होता है, V is the velocity, Rho is the density and mu is the viscosity as I told you earlier. लेकिन अगर ये stirred vessels हो, जहां पे स्टरिंग, स्टर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि कई सारे आपने देखा होगा जो लोग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में थे कि एक रिएक्टर्स होते हैं इनके बीच में स्टरर होता है। अभी मैं इसकी भी बात करूंगा। स्टरर होते हैं जो कि मिक्स कर रहे होते हैं रोटेट होके, एजिटेटर जिसको बोलते हैं, ये स्टरर या एजिटेटर इसको मिक्स कर रहे होते हैं। तो अगर इस वेसल में रेनॉल्ड्स नंबर कैसे पता करेंगे? ये तो फ्लूइड फ्लो के लिए, बेसिकली किसके लिए? पाइप के लिए। अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो के लिए है। अगर स्टर्ड वेसल की बात करें तो इसमें कैसे पता करेंगे? उसका होता है एन आई डी आई रो म्यू, एन आई डी आई स्क्वायर रो म्यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, एन आई डी आई स्क्वायर रो म्यू। डी आई का स्क्वायर होता है, डी आई इज द इम्पेलर डायमीटर एंड एन आई इज द इम्पेलर स्पीड। Rho, you know that it is a density and mu is the viscosity. If the Reynolds number is less than 2000, if the Reynolds number is less than 2000, then it will be laminar flow. It will be laminar flow. And if it is in between 2000 to 10,000, it will be transitional flow. And if it is greater than 10,000, then it will be the turbulent flow. Is it clear, guys? Yahan tak clear hai? Now the boundary layer and boundary layer separations, कुछ concept आते हैं boundary layer and boundary layer separations के बारे में, कुछ चीजें आती हैं, ठीक है? Boundary layer and boundary layer separations के बारे में आता है, that is boundary layer and boundary layer separations में, that is what, क्या होता है ये? Resistance provided by the boundary layer of the solid plate. ये जो solid plate होते हैं ना, ये जो solid plate दिख रहा है आपको, इस solid plate में जो resistance होता है वो रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये कोई भी fluid flow करता है तो इस कर्व में, ये कर्व की तरह बन जाता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस जो होता है वो बाउंड्री लेयर कंडीशंस दैट चेंजेस द स्पीड ऑफ द फ्लो एंड इट रेगुलेट्स द स्पीड आल्सो। तो इसी वजह से इस सरफेस पे फ्लो इस तरीके से हो जाता है कर्व की तरह, और ये कर्व जो होता है बाउंड्री लेयर पे थोड़ा सा मूवमेंट को अफेक्ट करता है। उसके अलावा कुछ ईडीज का फॉर्मेशन होता है जो इम्पेलर्स होते हैं, जब फ्लूइड फ्लो इस तरीके से जाते हैं तो यहाँ पे कुछ गैप्स बन जाते हैं जहां पे फ्लूइड होता ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं ईडीज। ये इम्पेलर है, ईडीज बन गया, और ये रहा बाउंड्री लेयर सेपरेशंस। तो ये सेपरेशंस कुछ अलग गैप्स सा बन जाता है जिनको बोलते हैं ईडीज, जहां पे लेयर पहुंच ही नहीं रहा है, फ्लो इस तरीके से निकल जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से लिक्विड आया, ऐसे निकल गया, इस तरीके से ऐसे निकल गया, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, दैट इज द ईडीज का फॉर्मेशन हो गया। इनको बोलते हैं ईडीज। इज इट क्लियर? नाउ विस्कोसिटी की बात करते हैं, दैट्स विस्कोमीटर की बात करेंगे। सो विस्कोसिटी, जैसा कि मैं बात किया, विस्कोसिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है विस्कोमीटर। विस्कोसिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है विस्कोमीटर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, स्टडी ऑफ द फ्लूइड फ्लो, रियोलॉजी एंड डिफॉर्मेशन। रियोलॉजी और डिफॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। विस्कोसिटी अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, फ्लो को अफेक्ट करता है, मिक्सिंग को अफेक्ट करता है, मास ट्रांसफर को अफेक्ट करता है, हीट ट्रांसफर को अफेक्ट करता है, एयरेशन को अफेक्ट करता है। ये इन चीजों को अफेक्ट करता है, दैट इज फ्लूइड फ्लो, मिक्सिंग, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, एयरेशन। द टाइम डिपेंडेंट जो विस्कोसिटी होते हैं, सम ऑफ द विस्कोसिटी इज अ टाइम डिपेंडेंट। अगर वो आपके, देखिएगा, टाइम के साथ जैसे म्यू इंक्रीज हो रहा, अगर टाइम इंक्रीज के साथ साथ, उसको बोलते हैं रियोपैक्टिक, और अगर म्यू जो डिक्रीज हो रहा है टाइम डिक्रीज के साथ, तो इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। इंक्रीज हो रहा है तो रियोपैक्टिक, डिक्रीज हो रहा है तो थिक्सोट्रॉपिक।
डिटरमाइंड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड द शियर फोर्सेस, जो अभी आपने देखा था डीवी बाय डीटी इज डायरेक्टली द शियर फोर्स। यहाँ पे इसको यूज करेंगे कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वी के हिसाब से ग्रेडियंट बनता है और ये डायमीटर है इसका पूरा का पूरा, ये मूविंग फोर्स है, तो इसके बेसिस पे ये ड्राइविंग फोर्स जो होता है डीवी बाय डीटी ये एक्सटेंड कर रहा है उस मूविंग फोर्स की वजह से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना फोर्स लग रहा है। ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना फोर्स लग रहा है। उसी के आगे जब आप करेंगे द शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, अभी टाउ डिस्कस किया गया था, डीवी बाई डी म्यू यहाँ पे आ गया और इसी पर्टिकुलर पार्ट से दैट इज व्हाट शियर रेट और शियर स्ट्रेन जिसको बोला जाता है, दैट इज दिस पर्टिकुलर डीवी बाई डी वाई, म्यू इज द विस्कोसिटी या इसको बोला जाता है ठीक है विस्कोसिटी, और ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और इसी लॉ को, ये जो इक्वेशन अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था, इसी को लॉ को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर इसको आप देखेंगे तो टाउ और वाई के बीच में जब आप ड्रॉ करोगे माइनस डीवी बाई डीवी को सीयर रेट बोला जाता है, जिसको गामा बोला जाता है, गामा डॉट, और इसमें जब करेंगे टाउ और गामा के बीच में तो ये आता है म्यू इज द स्लोप एंड इंटरसेप्ट जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो है और ये ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इज इट क्लियर, दैट इज टाउ म्यू माइनस डीवी बाई डी वाई, जो कि सीयर स्ट्रेस और सीयर रेट के बीच का रिलेशन होता है, म्यू इज द विस्कोसिटी और इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इज इट क्लियर गाइज, हाँ जी, गामा क्या है, मैंने अभी तो बताया गामा लिखा तो हुआ सीयर रेट, वही तो बता रहा हूं ये सीयर रेट है सर, कितने रेट से, ग्रेडियंट क्या है वो सीयर रेट है ठीक है, इट इज अ शियर रेट, इज इट क्लियर, चलिए अच्छी बात है। तो नाउ देखने की कोशिश करिएगा, अब न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इन्हीं के बेसिस पे किया जाता है कि जो म्यू अगर कांस्टेंट है, यहाँ पे म्यू अगर कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और म्यू जो है नॉन कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इक्वेशन अभी था दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा, ये जो इक्वेशन था दैट इज वॉट द, ये क्या है उसके बेसिस पे होता है न्यूटोनियन फ्लूइड जो सिंपल होता है ठीक है। अब गामा के पावर क्या है इसके बेसिस पे इस तरीके से वैरी होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करने वाले इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ये ऑल गैसेस वाटर एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। एक आता है सीडोप्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक में पावर टू एन होता है, गामा के पावर एन होता है, शियर रेट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे म्यू डिक्रीज करेगा, शियर रेट इंक्रीज करेगा, एन इज लेस देन वन होता है, एन जो होता है वो लेस देन वन होता है, ये बन रहा है। नाउ डाइलेटेंट ठीक है, एक आता है डाइलेटेंट की बात करते हैं, डाइलेटेंट के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह बनता है, म्यू जो होता है वो भी एन होता है यहाँ पे, लेकिन एन ग्रेटर देन वन होता है, पी डी ठीक है, पी डी का फॉर्म बनता है, बिंगम जो होता है वो उसका कुछ इंटरसेप्ट होता है, दैट इज टी टाउ नॉट के पी गामा होता है, ये एक इंटरसेप्ट आ रहा है जिसको बोलते हैं टाउ नॉट। और जो कैसन प्लास्टिक होता है, कैसन प्लास्टिक इज लाइक ये आपके हाफ पावर में चला जाता है, कुछ इस तरीके से हाइपरबोलिक बनने की कोशिश करता है, ये फॉर्मूला इसी बिंगम का पावर हाफ कर दीजिए सबका, दैट इज द कैसन प्लास्टिक। सिंपल सा है ग्राफ को, मैं एक जगह पे पूरा ग्राफ को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, होप कि आपको क्लियर होगा, चलिए देखते हैं कि क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा ठीक है। दिस इज व्हाट द गामा डॉट शियर रेट और ये है टाउ, ये क्या है शियर रेट, ये शियर रेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है शियर स्ट्रेस। पहला जो बनाएंगे दिस इज व्हाट, ये देखिए ये क्या है, ये है न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या है ये न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसमें कि सीधा सीधा जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन यहाँ पे आता है दैट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू गामा, सीधे सीधे ये आता है। नाउ दूसरा की बात करता हूं, दूसरा पार्ट देखने की कोशिश करिएगा, दिस वन ठीक है, जब ये बनता है इसको बोलते हैं सीडोप्लास्टिक, ये क्या है सीडोप्लास्टिक, ये सीडोप्लास्टिक है, इसमें टाऊ जो होता है टाऊ म्यू और गामा के पावर एन होता है, लेकिन एन इज लेस देन वन होता है, ये सीडोप्लास्टिक है। नाउ थर्ड वन ठीक है, थर्ड वन देखने की कोशिश करिए,
दिस इज वॉट सीरो प्लास्टिक के बाद मैंने बताया था, दैट इज वॉट देखिएगा डाइलेटेंट, ये क्या है डाइलेटेंट है, डाइलेटेंट, डाइलेटेंट में टाउ जो होता है म्यू गामा के पावर एन तो होता है लेकिन एन इज ग्रेटर देन वन, डाइलेटेंट। नाउ इसके बाद एक और पार्ट देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज वॉट दिस वन, ठीक है, ये क्या है, ये है बिंगम, ये क्या है बिंगम है, बिंगम में जो इक्वेशन होता है टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस के इनटू दैट इज गामा, ये होता है। इसी के साथ बिंगम के पास आता है कैसन, क्या आता है कैसन आता है, जो कि इसी इक्वेशन में हाफ कर देते हैं, दैट इज द कैसन प्लास्टिक, दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट, ये हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, प्लस के इनटू गामा हाफ। इज इट क्लियर गाइज, दिस इज द न्यूटोनियन फ्लूइड, फ्लूइड फ्लो के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ जी क्लियर है, ओके ग्रेट, तो यही है, अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, याद रखे रहिएगा ऑर्डर के तरीके से एक कोड बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोड बना सकते हो सी बी पी एन डी, यही ऑर्डर है ऊपर से चलते हुए सी बी पी एन डी, ठीक है, जो बी होते हैं और एन होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं और पी सबसे नीचे जो होता है वो डी होता है, ठीक है, सी बी पी एन डी, अगर कोड के तरीके से याद रखोगे कैसन बिंगम फिर सीडो फिर न्यूटोनियन एंड डायलेटेंट, ये आप कोड के तरीके से याद कर सकते हो, दैट इज व्हाट सी बी पी एन डी, ठीक है, सी बी पी एन डी की बात करेंगे, ये एज अ किसी फॉर्म में भी आप इसको कोड बना सकते हो, अगर बना पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको, अगर आप नहीं बना पाते तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको कोड बना के दे दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, अभी कुछ फ्रेम नहीं हो रहा माइंड में एट इंस्टेंट, ठीक है। सो नाउ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्मेंटेशन ब्रॉथ की बात करता हूं, तो फैक्टर अफेक्टिंग द बोथ विस्कोसिटी, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो दैट इज वॉट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि अफेक्ट करती है, ठीक है। सो देखने की कोशिश करिएगा, सेल कॉन्सेंट्रेशन, सेल शेप, मॉर्फोलॉजी, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द प्रोडक्ट एंड सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मिक्सिंग की बात करता हूं मैं, ठीक है, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं यहाँ पे। उसके अलावा जब मैं बात करूंगा सो कुछ मिक्सिंग के बारे में आप लेके चलते हैं, दैट इज व्हाट द मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए दो चीजें स्पेसिफिक रिक्वायर्ड होती हैं, मिक्सिंग के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, व्हाट टू थिंग्स आर फॉर द मिक्सिंग, दैट इज द इम्पेलर एंड बैफल्स, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इम्पेलर एंड बैफल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पेलर का काम क्या होता है, इम्पेलर रोटेट करता है स्टेरर शाफ्ट पे और बैफल्स इस तरीके से होता है, बैफल की जो हाइट होती है वो हाइट होती है 1/10 ऑफ द रिएक्टर, 1/10 का हाइट होता है बैफल के साथ, ठीक है, बैफल के साथ ये हाइट होती है, और मिक्सिंग इज डन टू क्रिएट द ऑप्टिमल एनवायरनमेंट, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ओ2 ट्रांसफर के लिए होता है, इंपेलर